Natalia and welcome back to my channel. If you are new here, then welcome. Don't forget to subscribe. So, आज मैं आप लोग के साथ एक हेयर हैक शेयर करने वाली हूँ जिसमें आप लोग अपने बाल ओवरनाइट कर्ल कर सकते हैं, वो भी एकदम हीटलेस। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि ये मेरा हैक नहीं है, ये मैंने बहुत जगह पे YouTube पे देखा है, तो मैंने सोचा कि ये इतना अच्छा अगर मेरे साथ काम कर रहा है तो मैं आप लोग के साथ भी ये शेयर करूँ। एंड मैंने जब इसे पहली बार ट्राई करा था ना, मैं शॉक हो गई थी रिजल्ट से। एंड मैं अब इसको काफ़ी बार अपनी वीडियोज में और बहुत बार करती हूँ, एकदम से लगता है कि प्रोफेशनल कर्ल्स आपने जो है हीटिंग रॉड से, कर्लिंग रॉड से करे हैं, बट जबकि हमने वो सोए सोए करे हैं। और इसको करने के लिए ना सोने से पहले बस 5 या 10 मिनट का टाइम लगता है। स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए उसको ट्रिक को करने में, बट एक बार अगर आपको आदत पड़ जाए, जैसे कि मैं तो अब मुझे मुश्किल से 5 या 6 मिनट लगते हैं करने में, एंड आई एम गुड टू गो। उसके बाद बस मुझे सोना होता है, मुझे कुछ नहीं करना होता। तो इस हैक को करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक स्कार्फ, देन एक कोम, एंड देन थोड़े से रबर बैंड्स और क्लिप्स उसको सेट करने के लिए। एंड या बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं बताने को भी या बोलने को। हाँ, पहली बात तो ये मेरे एकदम नेचुरल हेयर है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है, कोई मतलब प्रीवियस यू नो हीटिंग या कुछ भी नहीं कर रखा है, मेरे नेचुरल हेयर है। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, बिकॉज कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल बताने वाला नहीं है, बस डायरेक्टली करके दिखाने वाला है ट्यूटोरियल। तो सीधा ट्यूटोरियल के साथ शुरू करते हैं विदाउट एनी बक बक। सो हेयर आई एम गोना स्टार्ट बाय कॉमिंग माय हेयर, जितने भी नॉट्स वगैरह है ना सब अच्छे से निकाल लेने हैं, एकदम टैंगल फ्री बाल चाहिए हम लोग को। नेक्स्ट हमें वाटर स्प्रे बॉटल लेना है ना, अपने बालों को बहुत हल्का सा गीला करना है। एंड देन आई एम गोना टेक अ हेयर सीरम एंड मैं वो अपने बालों में लगा लूँगी। ये दोनों स्टेप्स ऑप्शनल हैं, बट इससे ना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कर्ल्स बहुत निखर के आते हैं। देन आई एम गोना टेक माय स्कार्फ, हमें स्कार्फ ना सॉफ्ट मटेरियल में लेना है ताकि हमारे बाल जो है फ्रिजी ना हो, हार्ड मटेरियल से बाल फ्रिजी हो जाते हैं। एंड देन स्कार्फ को सिर के ऊपर रख कर, जैसे मैंने रखा है, एक क्लचर की मदद से सिक्योर कर लेना ताकि वो हिले ना। देन आई एम गोना टेक द फर्स्ट फ्रंट स्ट्रैंड ऑफ माई हेयर एंड देन उसको स्कार्फ के अराउंड रैप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। लेट मी शो यू एक बार इसको क्लोजअप में भी। मैंने स्ट्रैंड ली एंड देन उसको स्कार्फ के अराउंड रैप कर दिया। ऐसे ही फिर हमें एक सेकेंड स्ट्रैंड लेनी है, जो अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ। उसको हमने लेना है और फर्स्ट स्ट्रैंड के साथ में लेना है, देन उसको हमें फिर से स्कार्फ के अराउंड रैप कर देना है। देन अगेन हमें इसके साथ एक और थर्ड स्ट्रैंड लेनी है और उसको भी फर्स्ट और सेकंड के साथ में मिला लेना है, वो थोड़ा सा और थिक स्ट्रैंड बन जाएगा। एंड देन हमें उसको स्कार्फ के अराउंड फिर से रैप कर देना है। मैं ये प्रोसेस आपको एक बार साइड एंगल से भी दिखा देती हूँ ताकि ज़्यादा समझ आए। हमें एक स्ट्रैंड लेना है, जो पहले 3 स्ट्रैंड्स हो गए ना उसी के साथ अब हमें एक और स्ट्रैंड लेना है, एंड देन उसको भी साथ में पहले 3 स्ट्रैंड्स के साथ स्कार्फ के अराउंड रैप कर देना है। ऑल्सो ये पूरा प्रोसेस करते वक्त हमें बालों को 2 पोर्शंस में बांटना ज़रूरी है, जैसे कि हम 2 चोटियाँ करते थे, 2 चोटियाँ बनाते थे, वैसे ही हमें 2 पोर्शंस में बांटना है ताकि 2 पोर्शंस में हम उसको अच्छे से ज़्यादा नीटली कर पाए। एंड देन बाकी के स्ट्रैंड्स के साथ भी हमें ऐसा ही करना है। एंड देन हेयर कम्स द लास्ट स्ट्रैंड, बाकी जितनी भी स्ट्रैंड्स थी उसके साथ अब ये लास्ट स्ट्रैंड को भी लेना है एंड इसको रैप कर देना है। अब सिंस हमारे पास कोई भी स्ट्रैंड नहीं बचे है, तो हम बाकी के बचे बालों को बस ऐसे ही जो है स्कार्फ के अराउंड लपेटते जाएंगे एंड देन एंड में उसको एक रबर बैंड से सिक्योर कर लेंगे। ये थोड़ा सा लूज लग रहा है, बट हम इसको एंड में ठीक कर लेंगे। अब हमें दूसरी साइड में भी बिल्कुल सेम ही करना है। मैं पहला स्ट्रैंड ले रही हूँ एंड देन हम उसको स्कार्फ के अराउंड रैप कर लेंगे। एंड देन फिर से दूसरा स्ट्रैंड लेंगे, उसको फर्स्ट वाले के साथ में रखेंगे कि वो थोड़ा सा थिक हो जाए, एंड देन उसको स्कार्फ के अराउंड रैप कर लेंगे। एंड देन एक थर्ड स्ट्रैंड लेंगे, उसको भी पहले दोनों की तरह ही वापस से उसके साथ लेंगे एंड देन उसको स्कार्फ के अराउंड रैप कर देंगे। एंड सो ऑन, ऐसे ही पूरा प्रोसीजर चलेगा जैसे हमने फर्स्ट साइड में भी किया था। एंड देन एंड में बचे हुए बालों को स्कार्फ के अराउंड अच्छे से रैप करके गोल गोल उसको एक रबर बैंड से सिक्योर कर लेंगे। अब हमें पूरी जो है ये प्लेट की चोटी लेनी है और उसको उसी डायरेक्शन में घुमाना है जिस डायरेक्शन में हमने जो है कर्ल्स को बनाने के लिए घुमाया है, एंड देन उसको पूरा घुमाकर पीछे की तरफ पिन से सिक्योर कर लेंगे।
एंड देन दूसरी साइड को भी मैं ऐसे ही अच्छे से रोल करके जो है ऊपर की तरफ पिन कर लूँगी। एंड मेरा स्कार्फ बड़ा था तो मैं यहाँ पे एक नॉट भी बांध रही हूँ। आपका स्कार्फ छोटा है तो आप पिन से अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, बस अच्छे से सिक्योर करना वरना ये खुल गया तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अभी रात के 1 बज रहे हैं एंड नाउ आई एम गोना स्लीप एंड देन कल मिलते हैं रिजल्ट्स के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ डे 2 ऑफ दिस वीडियो। सेकेंड डे हो चुका है, अभी बज रहे हैं 1 बज रहा है। मैं सुबह ही शूट कर लेती बट फिर लाइट नहीं थी यहाँ पे तो लाइटिंग प्रॉब्लम हो जाती। अभी इसको मोर देन 12 आवर्स हो चुके हैं मुझे मेरे बालों को बांधे हुए, तो कर्ल्स और भी ज़्यादा अच्छे निकल के आने वाले हैं। लेट्स सी दी रिजल्ट्स। तो सबसे पहले मैं ये नॉट खोल देती हूँ। सो ये रही हमारी 2 कर्ल वाली पोनीज। तो सबसे पहले हमें बस इसकी रबर बैंड निकालनी है एंड देन हमें एक एक करके ये ये ऐसे कर्ल को पकड़ना है और थोड़ा सा ऐसे निकालना है, मतलब जैसे फोल्ड किया था ना उसी में रिवर्स में करना है। अगर कभी ऐसे ज़्यादा होता तो मैं ऐसे स्कार्फ खींच लेती हूँ ताकि कर्ल प्रॉपर खुले ना, बट और ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना वरना कर्ल्स ऐसे ही टूट के खुल जाएंगे। ये देखो ऐसे कर्ल पकड़ा एंड उसके बीच में से मैं ऐसे स्कार्फ खींच रही हूँ ताकि कर्ल ना खुले। जस्ट लुक एट दीज। ये अभी थोड़े से 2-3, क्योंकि हम बाल बांधते हैं ना तो ये 2-3 ऐसे थोड़े इकट्ठे हो रखे हैं तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये सब ना देखने में मे भी थोड़ा सा फिर भी समझ ना आए, बट जब आप करोगे ना तो आपको अपने आप समझ आता जाएगा। अब दूसरे साइड का भी खोल के देखते हैं। आप जितने ज़्यादा टाइट जो है इसको बांधोगे ना आपके उतने ज़्यादा अच्छे कर्ल्स आएंगे। अगर आप इसको थोड़ा लूज़ बांधोगे तो आपको वी पीची वेव्स टाइप मिलेंगे। जितने टाइट करोगे उतने ज़्यादा टाइम तक स्टे करेंगे बिना हेयर स्प्रे के, और जितने लूज़ करोगे उतने जल्दी खुल जाएंगे, बट लूज़ पर अगर आप हेयर स्प्रे कर दोगे तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपके पास हेयर स्प्रे है, आप वो करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। एंड ये लास्ट वाला कर्ल पकड़ के आई जस्ट पुल दिस ऑफ एंड जस्ट लुक एट हाउ प्रिटी दीज कर्ल्स आर। मी शो यू इसको पीछे से। जस्ट लुक एट दिस। अभी मैं सिर्फ कैमरा वो कर रही हूँ एंड जस्ट लुक एट दिस कर्ल, सो प्रिटी। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। आप क्लियरली देख सकते हो कि कितने स्मूथ, कितने अच्छे कर्ल्स बन के आए हैं। कर्ल्स का टेक्स्चर एंड वो कितने टाइम तक स्टे करेंगे कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपने उसको स्कार्फ के अराउंड कितनी ज़्यादा टाइट बांधा है। मेरे कर्ल्स यूजुअली ऑलमोस्ट पूरा दिन टिक जाते हैं, शाम को थोड़े से खुल जाते हैं, बट वो भी बीच ही अच्छे लगते हैं, मतलब अलग टेक्स्चर लगता है। बिल्कुल, ये कर्ल्स ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने कर्लिंग रॉड से करा है। मैंने ना सेंटर पार्ट करके जो है कर्ल्स करे थे, इसलिए मेरा सेंटर पार्ट आ रहा है। आप साइड पार्टीशन में भी करोगे तो साइड पार्टीशन में भी हो जाएगा। मैं यूजुअली बाद में जब ये थोड़े से खुल जाएंगे ना, जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो कोई भी हेयर स्टाइल या तो मैं ऐसे ही करने की कोशिश करती हूँ या मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा पार्टीशन कर देती हूँ जिससे वो बहुत सुंदर लगते हैं। बट अभी ये बिल्कुल फ्रेश है तो ये अभी इधर करूँगी तो सब घुचड़ हो जाएगा, इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रही हूँ। बट देख सकते हो आप कितने ज़्यादा परफेक्ट सुंदर कर्ल्स बने हैं। सो या गाइज, इतना ही था आज की वीडियो में। मैंने आपको कर्ल्स दिखाने थे हीटलेस एफर्टलेस, वो मैंने आपको दिखाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आप ये हैक ट्राई करके देखो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना मत भूलना कि आपने भी ये करा है, मैं देखना चाहूँगी ज़रूर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो व्हाट यू वांट नेक्स्ट। एंड बाय बाय, टेक केयर। Bye-bye, take care.